व्हाट वाज दिस मीटिंग अबाउट मैम? मैं मुंडे जी और अनंत कुमार जी अपने उन दो पूर्व सांसदों से मिलने के लिए आए थे जिन्हें कल यहाँ तिहाड़ में लाया गया है। एक बात की तो हमें खुशी और संतोष हुआ कि हमारे दोनों सांसद बहुत हाई स्पिरिट्स में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सत्य पर खड़े हैं। पर उनके साथ बहुत अन्याय किया गया है। जिन लोगों ने सरकार के द्वारा खरीदे जा रहे सांसदों के सच को उजागर करने का काम किया, उन्हें ही दिल्ली पुलिस ने आरोपी बना दिया। और जिन्होंने रिश्वत देने का काम किया उनको तो आरोपी बनाकर लाए ही लाए, जिन्होंने उजागर करने का काम किया वो भी आरोपी बनाकर ले आए। आज तक कभी किसी केस में ऐसा नहीं हुआ कि देने वाला और उजागर करने वाला, यानी विसल ब्लोअर और ब्राइब गिवर, वो दोनों एक केस में आरोपी बन जाएं और यहाँ ला कर के खड़े कर दिए जाएं। और जिनको इस पूरे प्रकरण का लाभ हुआ वो सब बरी, उनमें से एक भी व्यक्ति को इस पूरे प्रकरण का जिसको लाभ हुआ, जिनकी सरकार बची, यानी प्रधानमंत्री, उस समय के सरकार के लोग, जिस पार्टी की सरकार बची, उस पार्टी के नेता, उनमें से कोई भी दोषी नहीं बनाया गया। कोई आरोपी नहीं है, कोई अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त कौन है? जिसने दिया, या अभियुक्त वो है जिन्होंने उजागर किया। तो हम इस लड़ाई को कानूनी ढंग से तो लड़ेंगे ही, लेकिन हम संसद में भी इस विषय को उठाएंगे। हम आज ही उठाने वाले थे, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो बहुत ही माहौल संजीदा और गमगीन हो गया, इसलिए हमने आज इसको नहीं उठाया। कल हम इस विषय को संसद में उठाएंगे। आपने पूछा ये मीटिंग किस लिए थी? ये मीटिंग उनको ये बताने के लिए थी कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया था, और इसीलिए वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस पूरी की पूरी पार्टी इस मामले को संसद में भी उठाएगी, ये उनको बताने के लिए आए थे। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग रेज्ड अबाउट सम मोटिव्स ऑफ योर हाई प्रोफाइल पार्टी मेंबर्स आल्सो, लाइक मिस्टर जेटलीज नेम इज क्रॉपिंग अप टाइम एंड अगेन। आर यू ऑल दीस इश्यूज, ऑल दीस एलिगेशंस आर टोटली बेसलेस। नहीं, हम लोग तो कल संसद में इसको उठाएंगे। जो मैंने बात आपको कही है, कल इस मामले को संसद में उठाएंगे और वरिष्ठ नेता ही उठाएंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसीलिए आज संसद में अडवाणी जी ने इस पर बोलते हुए यही कहा कि आज तो बहुत संजीदगी से हम लोग इस मामले को समाप्त करें, कोई दूसरा विषय जो भी हम उठाना चाहते थे वो ना उठाएं, और संसद की कार्यवाही शोक संदेश सांत्वना देकर और सरकार के संकल्प के साथ समाप्त कर दें। तो आज हम लोगों ने यही किया है। जैसे जैसे तथ्य और सत्य सामने आएगा उस पर टिप्पणी करें।